हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मारा जॉम्बी डिस्ट्रॉय की कहानी, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर ये जॉम्बी ब्रेकआउट हुआ किस वजह से, क्या इसके लिए लूकी जिम्मेदार था या फिर वो डार्क फ्लावर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं लूकी को, जो बाकी बजे टीम मेंबर्स को बता रहा था कि आखिर ये जॉम्बी ब्रेकआउट हुआ किस वजह से, और वो सभी लोग ट्रेन में थे। वो बताता है कि जब ऑल फादर ओडिन ने किसी भी एस्गार्डियन को किसी भी इंसान के मामले में दखलअंदाजी करने से साफ मना किया, ये जानते हुए कि थॉर मिडगार्ड वासियों के बारे में यानी कि इंसानों के बारे में क्या फीलिंग रखता है, इसके अलावा उन्होंने ऐसा फैसला दिया। और तब मैंने एक चाल चली, मैंने अपने मैजिक के जरिए अपनी एब्सेंस एस्गार्ड से छुपाई रखी और यहाँ पर आकर जॉम्बी ब्रेकआउट शुरू किया उस डार्क फ्लावर की मदद से। इतना सुनते ही ब्लास्टिंग स्कल लूकी पर अटैक करने लगता है, लेकिन लूकी अटैक को बड़ी आसानी से इग्नोर कर देता है। वो आगे बताता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि थॉर अपने चहेते लोगों को मरता हुआ देखे एक दूसरे के हाथों, और यहाँ पर आकर वो ओडिन के ऑर्डर को ना माने और इस वजह से ओडिन उसे पनिश करे, लेकिन इस बार थॉर की जगह ओडिन यहाँ पर आए ये सब मामला इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन वो हमेशा की तरह ताकतवर नहीं थे, क्योंकि उन्हें अब जरूरत थी ओडिन स्लिप की, जो कि उनकी ताकत बढ़ा देती। लेकिन इसी बीच वो चलने गए मिडगार्ड पर, जहाँ पर जॉम्बी से लड़ते हुए जॉम्बी नेमर ने उन्हें काट लिया, और क्योंकि वो ऑल फादर है इस वजह से सारे एस्गार्डियंस की पावर उनके थ्रू होकर जाती है, और इसी वजह से वो पावर जॉम्बीफाइड हो गई और सभी एस्गार्डियंस जॉम्बीफाइड हो गए सिवाय मेरे, क्योंकि मैं एस्गार्डियन नहीं बल्कि एक फ्रॉस्ट जायंट हूँ। आगे हम देखते हैं उसी ट्रेन में कि डगन बता रहा था कि अगर लूकी का कहना सही है तो वो डार्क फ्लावर हमारे लिए क्योर हो सकता है, जिस पर लूकी उन्हें बताता है हाँ, अगर मुझे वो फ्लावर मिल जाए तो मैं उसे तबाह करके इस सब का क्योर ढूंढ सकता हूँ, लेकिन वो भी हेविली गार्डेड है एक जगह पर जो कि नाजिस का हेडक्वार्टर है। तभी वहाँ पर फ्लेक्स वॉकर बताता है कि मैंने इंजन को ऑटो पायलट पर सेट कर दिया है और एक माइल के दरमियान हम शहर पहुंच जाएंगे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं थॉर और बाकी सारे एस्गार्डियंस उस ट्रेन को रोक लेते हैं और लूकी और बाकी सारे आदमियों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन लूकी उन्हें बताता है कि वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे मैजिक की वजह से हम उनसे अभी भी छुपे हुए हैं। लेकिन अगर मैं अपना मैजिक इस्तेमाल दूसरे किसी काम के लिए करूंगा तो फिर ये शील्ड हट जाएगी और हम सब लोग पकड़े जाएंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ थॉर और बाकी सारे एस्गार्डियंस पूरी ट्रेन छान मारते हैं, लेकिन उन्हें ना ही मिडगार्डियंस और ना ही लूकी मिलता है। तब वो वहां से चले जाते हैं और बाकी के आसपास के एरिया में सभी को ढूंढने लगते हैं। तब हम देखते हैं कि वहां पर एक ग्रीन बॉक्स पड़ा हुआ था और हावर्ड द डक और बाकी सारे टीम मेंबर्स उसी से बाहर आते हैं, लेकिन जैसे ही टैक्सी बाहर आती है और उस बॉक्स को देखने लगती है, वो बॉक्स फिर से एक कार्ड में बदल जाता है। तब डगन एक प्लान बनाता है कि वो उस नाजिस के हेडक्वार्टर में जाएगा और वहीं से वो आगे का प्लान फॉलो करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं नाजिस के हेडक्वार्टर में, जहाँ पर डगन अपने ही जॉम्बी वर्जन का रूप बनाकर वहां पर आ चुका था, और जैसे जैसे वो एंट्रेंस से अंदर चला जाता है और बैटलस्टार को वो इन्फॉर्म करता है कि वो अंदर है, जिस पर बैटलस्टार उसे बताता है अगर तुम अंदर हो तो तुम्हें उनके रेयर गेट तक पहुंचकर रेयर गेट ओपन करना होगा, जिस पर वो कहता है वो तुम्हें कर दूंगा। लेकिन बैटलस्टार उसे आगे बताता है और एक और काम है जो कि अनदर सेक्शन में है, एक सुपर सीक्रेट स्टोरेज फैसिलिटी में कुछ हथियार रखे हुए है, वो हमें डिस्ट्रॉय करने है, शायद वहां पर कुछ ट्रांसडाइमेंशनल ट्रांसपोर्टर्स हो। आगे डगन को वो सुपर सीक्रेट स्टोरेज फैसिलिटी बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन वो उसे ओपन करने जा ही रहा था कि तभी उसे पीछे से बैरन वॉन स्ट्रकर और जोला पुकारते हैं और वो दोनों ही उसे स्कल की रैली में ले जाते हैं। वही दूसरी तरफ बैटलस्टार और बाकी बचे टीम मेंबर्स पर एस्गार्डियंस हमला करते हैं और उनमें से एक ड्रैगन को काट लेता है। ब्लजिंग स्कल उन एस्गार्डियंस को तो मार देता है, लेकिन उनकी तरफ बढ़ रहे ड्रैगन को बैटलस्टार बड़ी आसानी से मार देता है, जिस पर हावर्ड द डक कहता है क्या तुम हमारे साथ भी ऐसा ही करोगे जब हम जॉम्बी बन जाएंगे, जिस पर वो कहता है मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, हमें अगर बचे रहना है तो हमें ये करना ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं उनसे लड़ते हुए हावर्ड द डक इटर्नल ब्रेन से कह रहा था तुम अपने टेलीकाइनेटिक पावर्स का इस्तेमाल करके इस लॉक को खोल नहीं सकते क्योंकि हमें उस गेट के अंदर ले जाए, जिस पर वो कहता है मैं कर तो सकता हूँ लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और जैसे जैसे वो उस लॉक को खोल देता है और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तब वो देखते हैं कि उनका सीक्रेट वेपन था दो गोट्स जो कि बहुत ही बड़े साइज के थे और वो अब जॉम्बी बन चुके थे और वो एक बड़ी मिसाइल के साथ बांधे हुए थे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें।
साथ ही साथ अगर आपके पास ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और यूनिक फैक्ट्स है किसी कॉमिक के किसी वीडियो के बारे में तो भी मुझे शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।